नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि गुप्त संबंध, अवैध संबंध, हाथ की रेखाओं से हम कैसे जाने। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले घटनाक्रम के बारे में बताती है। इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारे विचारों के बारे में बताती है, हमारी गहराइयों के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा एक दूसरे के संबंध के नजदीकियों के बारे में बताती है। तो आज मैंने बात की है गुप्त संबंध, अवैध संबंध। जब गुप्त संबंध और अवैध संबंध की बात आएगी तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अपने शुक्र के माउंट को देखेंगे। शुक्र का माउंट अगर आपके हथेली में उभार लिए हुए हो और एक शुक्र की कला को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र की कला को बढ़ा देता है। कहते हैं ना कि जीवन की सारी सुख सुविधाएं, आनंद, भौतिक सुख हमारा सुख ही बताता है, शुक्र का ही माउंट बताता है। लेकिन ये शुक्र अगर अपने हद से ज्यादा बढ़ जाए या अपने पर्वत को ज्यादा मात्रा में उभार दे दे तो ये अपनी क्वालिटियां खो देता है, खराब कर देता है। इसी के ऊपर बनने वाले कुछ अशुभ संकेत बन जाए, अशुभ संकेत बनते ही ये अपना काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि अवैध संबंध की बात की है मैंने, गुप्त संबंध की बात की है, तो उसके लिए और हमारे पैरामीटर्स हैं जिसको हम देखना जरूरी है। अगर आपकी हार्ट लाइन अगर हम देखें, हार्ट लाइन सिर्फ शनि के माउंट तक ही जाए, ऐसे लोग कामुकता की तरफ भागते हैं, सिर्फ अपने विचार को, अपने लाभ को, अपने उस सारे सुखों की प्राप्ति के लिए जीवन उनका देखें तो एकाकी हो जाता है और ऐसे लोग कामुकता की तरफ भागते हैं। लेकिन उसके साथ हमारे ये चंद्र का माउंट है, ये चंद्रमा का पर्वत है। चंद्रमा का पर्वत बड़ा नाजुक माना जाता है। कहते मन की जितनी चीजें व्यक्त होती हैं, मन की जो चीजें हम कहना चाहते हैं हमारा चंद्रमा बताता है। और चंद्रमा एक ऐसा क्षेत्र है, मन की एक ऐसी स्थिति है, अगर आपके मन के ऊपर किसी का काबिज हो जाए तो जीवन उसी के अधीन हो जाता है। अब यहां पे शुक्र की बात की, अगर शुक्र के माउंट के ऊपर यहां पर स्टार बन जाए ये शुक्र की क्वालिटी को बढ़ाता है। स्टार का मतलब किसी भी माउंट पे हो उसके गुणों को बढ़ा देता है। तो यहां पे भौतिक सुखों को नहीं, मन को बसीभूत कर देगा, मन को कामुकता की तरफ लेके जाएगा, मन को विचलित कर देगा। और इसी के साथ अगर शुक्र माउंट से कोई रेखाए आपको चंद्रमा की तरफ आए, ये चंद्रमा की तरफ आ जाए, शुक्र का प्रभाव चंद्रमा के साथ जुड़ा और ये हमारा राहु का क्षेत्र है, इसको हम ये वाला एरिया हमारा राहु का क्षेत्र है, राहु का क्षेत्र एनर्जी को पोस्ट बना देता है, बढ़ा देता है, उसके गेन को बढ़ा देता है। शुक्र अपनी क्वालिटी, शुक्र का गुण राहु के साथ और राहु शुक्र का चंद्रमा के साथ कम्युनिकेशन बनना, ऐसे लोग उत्तेजित हो जाते हैं। अगर साथ में ये मंगल का पर्वत भी
उठा हो तो घी का काम करता है। और ऐसे बात कई बार आपने देखा होगा कि शादी के बाद भी अवध संबंध रहते हैं लोगों के, गुप्त संबंध रहते हैं, तो यहां विवाह रेखा को भी हम देखेंगे। अगर विवाह रेखा के एक पैरल में रेखा चले, ये पैरल में चले, बिल्कुल नीचे से पैरल में होके चले ऐसे, तो ये विवाह के पहले के संबंध को रिप्रेजेंट करती है, बताती है। अगर ये पैरल रेखा विवाह के बाद चले तो ऐसे लोगों के अवैध संबंध या प्रेम संबंध विवाह के बाद भी होते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।